और अब बात G20 की। G20 सम्मेलन पर ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। जिस भव्य और दिव्य तरीके से शिखर सम्मेलन हो रहा है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी इस आयोजन को ऐतिहासिक बता रही है और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। दिल्ली में दुनिया के ताकतवर नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा, G20 देशों का अब तक सबसे शानदार और भव्य आयोजन। अंतरिक्ष में गगनचुंबी छलांग के बाद सियासत की दुनिया में मोदी का पराक्रम, जो अब तक ना हुआ वो अब हो रहा है। G20 सम्मेलन के इतिहास में अब तक का सबसे भव्य आयोजन दिल्ली में होने वाला है। इस आयोजन पर दुनिया भर की देशों की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली में जिस जगह पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है वहां की तैयारियां बेमिसाल हैं, भव्य हैं, और वो जगह है प्रगति मैदान। यहां के IECC कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम को भव्य तरीके से तैयार किया गया है, जो देखते ही बनता है। इसकी तैयारी पर ही करीब 27 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये भारत मंडपम बेहद खास है। भारत मंडपम को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। बिल्डिंग की डिजाइन, आर्किटेक्चर, सजावट में भारत की विविधता का ध्यान रखा गया है। देश की परंपरा और सनातन की महिमा बताने वाली पेंटिंग्स लगाई गई है। इसमें 8,000 तक की सिटिंग क्षमता वाला विशाल हॉल है। कुल मिलाकर G20 के आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी है और बीजेपी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने में जुट गई है, जिसको लेकर देश भर में तैयारी चल रही है। G20 की बैठक में कोई कसर न रह जाए, कहीं कोई कमी न छूट जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। बैठक में पीएम G20 की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे और अब तक हुई तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। शिखर सम्मेलन की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए बीजेपी ने बड़ा और खास प्लान तैयार किया है। इसके लिए बीजेपी ने बड़े उत्सव की तरह योजना बनाई है। इसके लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ सभी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर मैदान में उतार दिया है। देश भर के अपने 225 से ज्यादा कॉल सेंटर से मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। इसे 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बतौर टेलीकॉलर G20 से जुड़ी उपलब्धियां बताएंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी G20 की पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन और देश से जुड़े खास मौकों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी को बतौर हीरो पेश करने की तैयारी है। G20 की जो प्रोग्राम है उसको भी गांव-गांव तक ले जाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने तैयारी की है। अपने जो कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर पर LED लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये जो G20 का प्रोग्राम होगा 9 और 10 का उसके लाइव टेलीकास्ट दिखा सके, लोगों को बता सके कि पूरी दुनिया की क्रीम इस वक्त भारत में आई हुई है। बीजेपी लोगों को बता रही है कि G20 का सम्मेलन भारत में होना देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि है। इस आयोजन से दुनिया में भारत की धाक जम गई है। भारत पे कैसे पूरी दुनिया की निगाहें हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने साबित किया है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और इस G20 का आयोजन करके यहाँ पे 30 देशों का प्रतिनिधित्व आ रहा है। इतना बड़ा प्रतिनिधित्व आज तक भारत पे नहीं आया था। अब भारत की विविधताओं को ये पिछले एक वर्षों से देख रहे हैं अन्य शहरों में जाके, ये कहीं ना कहीं भारत की श्रेष्ठता को साबित करता है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। बीजेपी जनता को ये बात बताने में जुटी हुई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पीएम मोदी की वजह से हो पा रहा है। बिना मोदी के इतना भव्य आयोजन संभव नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से जितना किया है कि देश के हर व्यक्ति को आज पता कि भारत में G20 से रिलेटेड प्रोग्राम,
और जितना सरकार काम करती है उससे ज्यादा बीजेपी काम करती है, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में इतना अच्छा तालमेल है कि वो जो सरकार का काम होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए थे तो सरकार ने जितना काम किया उससे ज्यादा काम बीजेपी ने किया। मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की राह पर निकल चुका है, ये बताने के लिए बीजेपी की एक भारी भरकम टीम काम में जुटी हुई है। 9 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया उससे न सिर्फ देश के अंदर मोदी की छवि मजबूत हुई है बल्कि अब दुनिया भी मोदी का लोहा मानने लगी है। उपलब्धि है क्योंकि भारत ने इसको एक जिसको अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटेजी कहते हैं उसके तरीके से इसको जो है पेश भी किया है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। G20 के द्वारा जो हमने मेहमान है जो की नवाजी कर रहे हैं, अपने देश का प्रदूत बढ़ा रहे हैं और उस काल के अंदर हो रहा है जब हमने चंद्रयान 3 भी भेजा है, सूर्यान की ओर हम बढ़ रहे हैं, 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं, 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित देश की ओर विकासशील देश से हम विकसित देश की ओर अग्रसर है, विश्व हमारा लोहा मान रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में G20 प्रमुख मुद्दा रहेगा और बीजेपी की सभी प्रचार सामग्री पर G20 की तस्वीर और मोदी के सफलता की कहानी छपी होगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के सभी प्रचार सामग्रियों पर G20 की सफलता और चंद्रयान 3 को प्रमुखता से रखा जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे स्पष्ट है कि हम विश्व गुरु की रास्ते पर की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर अभी 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई, चंद्रयान 3 को लेकर के और ये सूर्य के लिए वो आदित्य L1 को लेकर के जो घटनाएं हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं, असाधारण है, असामान्य है। तो ये हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसे सब देखते हुए G20 का ये जो सम्मेलन हो रहा है ये प्रदर्शित करता है कि भारत जो है दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। बीजेपी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम मोदी की उपलब्धि को बहुत बड़ी उपलब्धि साबित करने में जुटी हुई है। इस काम में अतीत के कुछ उदाहरण भी साथ दे रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि देश में खेलों का जब बड़ा आयोजन होता है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम या बड़ा सियासी आयोजन होता है तो सरकार को भव्य काम करने का मौका मिलता है, इससे विकास कार्य होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होता है जिसका फायदा भी सरकारों को मिलता है और चुनाव से ठीक पहले G20 शिखर सम्मेलन कराने से सियासी लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी और केंद्र सरकार बहुत सोच समझकर G20 के आयोजन की बात लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। इसके लिए पिछले साल भर से देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रुप 20 देशों के साथ कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान विदेशी मेहमानों को देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाया गया। इससे लोगों को लंबे समय से पता है कि देश में G20 सम्मेलन हो रहा है, साथ ही स्कूलों में G20 पर डिबेट करवाकर ये बात बच्चों तक भी पहुंचाने में सरकार सफल रही है। बीजेपी की रणनीति G20 की सफलता को देश की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की है। इस काम में पार्टी अभी से ही सफल दिखाई दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि G20 की अध्यक्षता भारत की बड़ी उपलब्धि है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल विदेश नीति का नतीजा है, लेकिन अब इसका चुनावी लाभ कैसे लिया जाए बीजेपी इस जुगत में है। लिहाजा G20 की बैठक के पहले ही पार्टी सभी शहरों और गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतारने लगी है। विजिलेंस मुकेश के साथ विकास चंद्र। केंद्र सरकार G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटी है। दिल्ली को सजाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच रेलवे ने इस इवेंट को लेकर बड़े कदम उठाए हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में 20 सदस्य देशों सहित 40 देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मेगा इवेंट के लिए आयोजन स्थल भारत मंडपम से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के सभी विभागों ने अपने स्तर पर कई तैयारियां की हैं। कई मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है, इसके अतिरिक्त स्टोर, व्यवसाय और दूसरे संस्थान निर्देशों के मुताबिक बंद रहेंगे।
इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 8 से 11 सितंबर तक दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। दिल्ली से आने और जाने वाली 207 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 8 से 11 सितंबर तक 207 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 100 ट्रेनों का रूट बदला गया है। 15 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका टर्मिनल 8 से 11 सितंबर के लिए बदल दिया गया है। जिन ट्रेनों का टर्मिनल बदला गया है वो आनंद विहार, सरायकाले खां, गाजियाबाद और साहिबाबाद से चलेंगी। 36 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट करने का फैसला किया गया है। हम लोगों ने कुछ ट्रेन्स को कैंसिल किया है और कुछ को डाइवर्ट किया है। मेनली हमारा फोकस ये रहा है कि हम जो डेली पैसेंजर्स हैं वो वाली ट्रेन्स को हमने ज्यादा कैंसिल किया है। ऑलमोस्ट जो डेली पैसेंजर्स चलती हैं हमारी, मेल एक्सप्रेस को हमने किसी को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं और वो बहुत पहले से लोग रिजर्वेशन करते हैं, उसके लिए लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो उनको किसी को भी कैंसिल नहीं किया। दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को चलने वाली 207 मेल ट्रेन 8, 9 और 10 सितंबर को रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग सफर कर दिल्ली तक आवाजाही करते हैं। जो बड़ी ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें ताज एक्सप्रेस, बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जालंधर नई दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस, सहारनपुर दिल्ली सुपरफास्ट, पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट, कालका एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, मेरठ कैंट श्रीगंगानगर स्पेशल और श्रीगंगानगर दिल्ली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। जाहिर है दिल्ली आने और यहाँ से जाने वालों को 8 से 11 सितंबर के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रोज अप डाउन करने में दिक्कत आ जाएगी, बड़ी परेशानी होगी, ऑफिस लेट पहुँचना उसमें परेशानी, ऑफिस पहुँचने में डिले होगा। जैसे हम कहीं आउट ऑफ स्टेट जाएंगे उसके लिए, जैसे अगर हम 8 तारीख को हमारे पेपर वगैरह या 9 को पेपर है, मान लो 8 तारीख की अगर ट्रेन कैंसिल होगी तो हमें 7 को निकलना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो बजट होगा वो भी एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। ट्रेन देश की लाइफलाइन कही जाती है, आम आदमी के सफर का ये सबसे बड़ा जरिया है। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं या फिर यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में G20 के मद्देनजर ट्रेनों को लेकर किए गए इस फैसले से आम लोगों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लिहाजा अगर आप भी 8 से 11 सितंबर के बीच नई दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन से संबंधित अपडेट जरूर चेक कर लें। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।